नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें हर बार हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे ही आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्यूपंचर, जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अलका सक्सेना, जिनसे आज हम एक्यूपंचर पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्यूपंचर के थ्रू अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर अलका सक्सेना से। आपका हमारे हेल्थ मंत्रा शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग हेल्थ मंत्रा में हर बार एक नए डिजीज पे और एक कोई ना कोई ऐसी ट्रीटमेंट पे हम लोग बात करते हैं, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके और लोगों को उनसे कुछ ना कुछ एक हेल्प मिल सके। तो आज हम आपसे एक्यूपंचर पे बात करने वाले हैं। तो एक्यूपंचर के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप पहले हमारे व्यूअर्स को ये डिफाइन करें कि एक्यूपंचर होता क्या है। एक्यूपंचर एक TCM प्रोसेस है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड होता है जी। इसमें क्या होता है कि हम एक्यूपंचर के पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनको एक्यू नीडल्स बोलते हैं। एक्यू नीडल्स के थ्रू हम उस पर सिल्वर के नीडल्स लगाते हैं, जिससे एनर्जी का फ्लो बैलेंस करते हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उन दोनों में जब भी कोई इम्बेलेंस हो जाता है तो कोई ना कोई डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। डिजीज़ मीन्स व्हाट? डिजीज़ मीन्स डिस्टर्बेंस इन ईज। तो जैसे ही हम उस एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं थ्रू एक्यूपंचर, तो इंस्टेंटली पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम एक एक्यूपंचर के लिए बात करें तो ये कब से और कैसे शुरू हुआ? एक्यूपंचर का जो ट्रीटमेंट है, जो टेक्निक है, वो कब से शुरू हुई है? एक्यूपंचर प्रोसेस 16,000 पहले से आया है जी। एक्चुअली ये इंडियन थेरेपी है, बट इंडियन थेरेपीज की वैल्यू इंडिया में तब हुई जब चाइना ने इसको इस पर बहुत रिसर्च करी। उसके बाद उन्होंने इतना इसका बेनिफिट जाना, उसके बाद जब इंडियन को ये बात पता चली कि एक्यूपंचर इतना इफेक्टिव है, तो वापस से ये थेरेपी इंडिया में आई जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि एक्यूपंचर के, जैसे हर ट्रीटमेंट के कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, तो क्या एक्यूपंचर के भी कुछ टाइप्स हैं? यस। कि कितने तरीके से एक्यूपंचर वाला ट्रीटमेंट होता है, कि अलग अलग होता है, तो कितने तरीके के एक्यूपंचर के? एक्यूपंचर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है जी। इसमें क्या है, पहला तो ट्रेडिशनल एक्यूपंचर जो कि सभी करते हैं जी, उसके बाद चाइनीज एक्यूपंचर जी, फिर इलेक्ट्रो एक्यूपंचर। तो इलेक्ट्रो एक्यूपंचर में हम इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं जी, जिसके थ्रू एक्यूपंचर किया जाता है, जिसमें जो निडल होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन थ्रू इलेक्ट्रिक, बहुत माइल्ड होता है बट इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। और ट्रेडिशनल मेथड जो कि सभी जनरल है जी, सभी यूज करते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं केवल वही इस एक्यूपंचर को भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर हम, हमारे एक व्यूअर का एक सवाल था कि कई लोग डिफाइन करना भूल जाते हैं, मतलब डिफाइन नहीं कर पाते हैं, सॉरी, कि एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर क्या दोनों अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो क्या फर्क है दोनों में? एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर दोनों ही अलग थेरेपीज हैं जी, बट पॉइंट्स आर सेम। थेरेपी इज डिफरेंट, प्रोसीजर इज ऑल्सो डिफरेंट जी। इसमें क्या होता है, एक्यूपंचर हम नीडल्स के थ्रू करते हैं और एक्यूप्रेशर में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं जी। प्रेशर से रिलीफ मिलता है तो एक्यूप्रेशर हो गया, और पंचर के थ्रू मींस नीडलिंग के थ्रू यदि रिलीफ मिलता है पेशेंट को तो एक्यूपंचर हो गया जी। लेकिन दोनों ही थेरेपीज इंडियन हैं जी और दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं जी। अगर हम इनके एक्यूपंचर के बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं, तो एक्यूपंचर के जो बेनिफिट्स हैं वो बेसिकली क्या बेनिफिट्स हैं जिस वजह से हम इसका ट्रीटमेंट करवाएं, हम इससे एक्यूपंचर के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवाएं? बेनिफिट्स तो इनडेफिनिट हैं जी। आप ये समझ लीजिए हर फील्ड पर एक्यूपंचर इक्वली इफेक्टिव है। जैसे हम एलोपैथ में पेन किलर पॉइंट्स पर हम देते हैं थेरेपी, वैसे ही हमारे पास एक्यूपंचर में पेन किलर पॉइंट्स होते हैं। और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज हैं
या नॉर्मल डिजीज भी है उन सभी पर इफेक्टिव होता है। जी बट हमको पेन मैनेजमेंट इसका बेस्ट पार्ट इसलिए लगता है बिकॉज इंस्टेंट रिलीफ। पेशेंट को क्या चाहिए? इंस्टेंट रिलीफ, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के हम दे सकते हैं एक्यूपंचर के थ्रू। जी तो इसमें पेशेंट को भी रिलीफ मिलता है, प्लस उसका बेनिफिट तो हर फील्ड पर है। आप जिस भी डायरेक्शन में चले जाइए, चाइना में तो यहाँ तक है कि फीवर भी किसी को हुआ तो भी एक्यूपंचर करते हैं। जी पेन तो है, वो तो है ही, इसका इसके साथ में कुछ भी चीज़ देते हैं जी तो एक्यूपंचर के थ्रू ही रिलीफ मिलता है। जी अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं इसके। अच्छा मैम, अगर हम ये इसके काम करने का तरीका अगर हम जानना चाहें तो हाँ किस तरीके से काम करता है हुँ. और किस तरीके से काम करता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से आप एक्यूपंचर का ट्रीटमेंट करती हैं? इसमें कुछ हमारे पास निडल्स होती हैं, जो कि इस टाइप की निडल है, जी सिल्वर की निडल्स होती जी हैं। ये निडल्स तो गोल्डन की भी आती हैं, जी सिल्वर की भी है, और यूज एंड थ्रो मेटल की भी आती है, जी सिंपल स्टेनलेस स्टील की भी होती है। जी मेन क्या होता है कि एनर्जी पर वर्क है ये, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जी एनर्जी का बेस्ट कंडक्टर है, जी तो इसलिए हम सिल्वर की निडल यूज करते हैं। जी जैसे ही लगाया, इंस्टेंट रिलीफ मिल गया। जी इसका फ्लो बहुत अच्छा होता है इसमें, जी तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और बिकॉज ऑफ कोरोना पीरियड आजकल यूज एंड थ्रो ज़्यादा यूज़ हो रही है, जी बिकॉज किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जी इसलिए। अच्छा डॉक्टर, आप अभी हमें निडल के लिए बता रहे थे, तो जैसे ये है कि क्या जो इसमें निडल यूज़ करते हैं क्या कोई खास तरीके की होती है? तो निडल तो आपने बताया कि खास तरीके की गोल्डन, सिल्वर एंड स्टेनलेस स्टील की होती यस है, तो क्या ये निडल के क्या कुछ पर्टिकुलर साइज भी होते हैं? यस कि जैसे ये है कि अगर पेशेंट मान लीजिए मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग निडल यूज़ किया जाता है या सबके लिए एक जैसी निडल होती हैं? निडल्स वेरी करती हैं एज पर। जी सपोज न्यू बॉर्न बेबी है तो जी उसके तो बॉडी इतनी सॉफ्ट एंड माइल्ड निडल लगाते हैं उस पे, जी और कोशिश करते हैं निडलिंग की ज़रूरत ना पड़े। जी और जो एडल्ट होते हैं या ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उन पर हम नॉर्मल निडल जो होती है हमारी, जी एक्चुअली नॉर्मल साइज जो होता है निडल का, वही यूज़ करना चाहिए। जी बस केवल एक्सेप्शनल केस पर हमें डिफरेंट निडल्स का यूज़ करना चाहिए। जी सपोज कमर में कोई पॉइंट है तो जी वहाँ पर फैट इतना ज़्यादा होता है, तो हमें उसके लिए लॉन्गेस्ट निडल यूज़ करनी पड़ती है, जी करीब 5 इंचेस की होती है। जी और नॉर्मल जो हाथ या पैर में हम निडल लगाते हैं, वो 3 इंचेस की होती है। जी और ईयर में जो ईयर एक्यूपंचर करते हैं, उसकी एक बटन शेप की निडल डिफरेंट होती है, जी वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी निडल तो लगा नहीं सकते, जी तो वेरी करता है जी निडलिंग का अच्छा, निडल प्रोसेस। जो है बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग एंड एज के अकॉर्डिंग सब उस पर वेरी करता है कि हमें कौन सी वाली निडल लगानी है, कि कौन सी यूज़ करनी है। तो बच्चों के लिए जो आती है तो वो कोई सॉफ्ट समथिंग इस तरीके से निडल होती है, हाँ, तो वो भी जो उतना अफेक्ट करती है। बिल्कुल इक्वली अफेक्ट करती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन होता है पर्टिकुलर, जी उसके हिसाब से हम करते हैं। जी अच्छा मैम, ये है कि जो भी आप निडल जितना लगाते हैं उसमें कितनी निडल लगानी है ये किस तरीके से डिसाइड होता ये है, हम ये लोगों कैसे को आप एट द तय करते टाइम हैं? ऑफ प्रोसीजर जी ट्रेनिंग पीरियड में हम लोगों को प्रॉपरली इस पर एक्सपर्टीज कर दिया जाता है जी कि किस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में निडल लगाएं, जी ताकि उस पर इम्पैक्ट अच्छा आए, जी क्योंकि हर पॉइंट का एक डायरेक्शन होता है, फिक्स डायरेक्शन, और उसी पर और कितना इंसर्शन चाहिए जी ये फिक्स होता है, जी उस पर ही डिपेंड करता है। जी तो ये हम लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में जी प्रॉपरली समझा दिया जाता है, नहीं तो इतनी एक ट्रेनिंग एक करा दी एक जाती है एक एक्सपर्ट। लिमिटेड एक जो निडल की जो क्वांटिटी है, या क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक निडल से कुछ, जो भी क्वांटिटी है उन क्वांटिटी की बात, अब मतलब ये है कि एक मिनिमम आपको कितनी निडल लगानी पड़ जाती हैं एक एक्यूपंचर से ट्रीटमेंट करने के लिए, आपको मिनिमम कितनी निडल्स की रिक्वायर्ड रहता है और मैक्सिमम कितना रिक्वायर्ड रहता है? जनरली हम 5 निडल्स यूज करते हैं जी सिंपल जी पेशेंट्स के लिए। अदरवाइज क्या होता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, सपोज उसको अर्थराइटिस भी है, जी गठिया भी है, जी और उसको बैकएक भी है, या मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, तो जी अकॉर्डिंगली निडल्स का नंबर्स बढ़ जाते हैं। जी नंबर्स भी वेरी करते हैं जी पेशेंट की रिक्वायरमेंट पर, जी पेशेंट की डिजीज पर डिपेंड करता है जी
कि कितनी नीडल्स हमको यूज़ करनी है, जी क्योंकि हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जी अकॉर्डिंग टू डिजीज, जी तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग निडल लगाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि मिनिमम निडलिंग से ही रिलीफ मिल जाए पेशेंट को, पेशेंट को नहीं तो तकलीफ होती है इतनी ज़्यादा निडल्स लगाने से, तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं एकदम जिससे उसको रिलीफ मिल जाता है। तो मैक्सिमम 10 या 15 जी, बस इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अच्छा मैम, जो इस टेक्निक से जिनका ट्रीटमेंट, जिस चीज़ का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो उससे फॉरएवर के लिए उनको रिलीफ मिल जाता है या कुछ टाइम पीरियड के लिए? दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन जी, बिकॉज ये पेशेंट्स डे वन से चाहता है जी, कि मुझे रिलीफ कितने दिनों में मिलेगा। उसका लगवाने से पहले ही क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे कितने दिन में रिलीफ मिल जाए, कितने दिन मुझे ये रेगुलर प्रोसीजर करना होगा। जी, तो मैं उसके लिए यही बताती हूँ कि डे वन से आपको रिलीफ मिलेगा। जी, लेकिन होता क्या है, पेशेंट के पास भी पेशेंस तो नहीं होता जी, तो फिर वो डेली एक ही क्वेश्चन, जनरली उसको 1 वीक में रिलीफ मिल जाता है। जी, ये भी डिपेंड करता है कि कितनी क्रॉनिक डिजीज है जी, या अर्ली स्टेज की है, तो डे वन से रिलीफ तो श्योर शॉट है। ऐसा डॉक्टर, हर ट्रीटमेंट का एक साइड इफेक्ट भी होता है कि एक साइड इफेक्ट है कि कोई ट्रीटमेंट किसी को सूट नहीं कर रहा है, या कोई साइड इफेक्ट ये है कि अगर कुछ चीज़ अगर सही नहीं हुई, तो जैसे एक्यूपंचर में हम प्रॉपर निडल का यूज़ करते हैं, तो उस पर निडल से क्या इन्फेक्शन भी होते हैं या कोई साइड इफेक्ट, इस तरीके की चीज़ें भी क्या आपको देखने को मिली हैं, क्या इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं? हाँ बिल्कुल होती है। जी, पहले दिन पेशेंट पूछेगा मैम कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? जी, साइड इफेक्ट का ये है कि ये विदाउट साइड इफेक्ट है, बट वेरी रेयर केसेस लाइक कोई एलर्जी है किसी मेटल से उसको, जी, तो ये डिपेंड करता है कि ये मैं पहले दिन पूछ लेती हूँ उससे कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। सपोज उसने बताया मेटलिक चीज़ों से है, तो मैं उसका प्रेशर पर प्रेफरेंस देती हूँ कि उसको प्रेशर से ठीक किया जाए। 99 केसेस में ये होता है कि उसको नहीं होती है डिजीज, कोई भी रिएक्शंस नहीं होते हैं, और अभी तक का हमारा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बिल्कुल सेफ है, नो साइड इफेक्ट और इमीडिएट रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ, और क्या चाहिए आज के पेशेंट को। क्योंकि मैम ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत लोगों को निडल का एक फोबिया होता है, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक इंजेक्शन लगाने में लोग इतना कांपने लगते हैं कि नहीं हमें इंजेक्शन नहीं लगा रहा है, और इसमें इस ट्रीटमेंट में इतने सारे निडल्स के थ्रू पे थ्रू एक ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो फोबिया भी होता है, तो उसी के लिए ही मैंने आपसे पूछा, तो वैसा भी चीज़ आपके देखने को मिला होगा। फोबिया तो बहुत स्ट्रांग होता है पेशेंट में, और जनरली पेशेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि ये निडल हमारी फाइन निडल्स होती हैं। जैसे नॉर्मल निडल की जो स्ट्रेंथ होती है उससे जो एक्यू निडल्स होती हैं ये 1/10 थिकनेस की होती हैं। हम ये 10 निडल्स लगा देंगे और उसको एक इंजेक्शन के इक्वलेंट पेन होगा, तो 1/10 थिकनेस वाली इतनी फाइन निडल्स बाल के बराबर पतली होती हैं, फोल्ड हो जाती है, मोल्ड हो जाती है, और लगाते हैं उस समय भी उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आता जी। वो उसको पता ही नहीं चलता। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि वो कहता है कि क्या लग गई निडल जी, मतलब इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं हम लोग करते करते ये जी। तो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। अच्छा मैम, ये होता है कि जैसे कुछ चीजें, जैसे आप पेन, हम पेन रिलीफ की बात कर रहे हैं मेन, क्योंकि एक्यूपंचर पेन रिलीफ के लिए ज्यादा कारगर है और ज्यादा उस पर बात की जाती है, तो क्या पेशेंट खुद ये टेक्निक एक्यूपंचर की अपने घर पे खुद से अप्लाई कर सकता है कि खुद से भी ये हम ट्रीटमेंट, कि आपने हमें कुछ पॉइंट्स बता दिए कि आप इस जगह पे निडल लगा लीजिए, देन आप अच्छा रिकवर करेंगे और आपको पेन रिलीफ हो जाएगा? नो नेवर, कभी भी आप एक्यूपंचर को घर पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही उसको वहाँ पर निडलिंग करेगा। हाँ, आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं जी, पंचर नहीं कर सकते, क्योंकि बाय मिस्टेक यदि कोई नर्व का जी पंचर हो गया जी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे जी, तो फिर पेशेंट कहेगा इतना साइड इफेक्ट। इसलिए किसी एक्सपर्टीज की नज़र के साथ ही ये होना चाहिए जी, एक्यूपंचर तो कभी ट्राई ही नहीं करना है।
हाँ, एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हम सिखा देते हैं पेशेंट्स को कि वो घर पर कर सकता है। जैसे सपोज ये हमारी जिमी कहलाती है जिमी और ये हमारा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जी गया। तो जब हम इस पर प्रेशर देंगे जी और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे जी तो उससे क्या होगा, इंस्टेंट पेन रिलीफ मिल जाएगा। जी और वो भी मैं सिखा देती हूँ कि कितने एंगल पर उसको रोटेट करना है। जी ठीक है, सपोज यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम है, जी आइज का है, तो ये आइज के पॉइंट्स हैं, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हम उसको सिखा देते हैं। जी ये लंग का एरिया है, जी आजकल कोरोना पीरियड में जी लंग्स पर ज़्यादा जी ऑक्सीजन लेवल एनहेंस करने की बात है, जी तो मैं बता देती हूँ कि कैसे यहाँ पर जी प्रेशर देना और कितना देना है। जी 10 टाइम प्रेस करना है, जी फिर रोटेट करना है, फिर जी अगेन 10 टाइम प्रेस करना है। जी ऐसे करने से इंस्टेंटली इमिडिएटली आपका ऑक्सीजन लेवल एनहेंस हो जाता है। जी तो ये सारी चीज़ें तो मैं बता देती हूँ जी पेशेंट को, जी लेकिन एक्यूपंचर बिल्कुल नहीं, जी वो तो अच्छा डॉक्टर, ये है कि ये तो आपने ये आप एक्यूप्रेशर के ये कुछ हाँ टूल्स आप हमें बता रही हैं कि किस तरीके के टूल्स होते हैं। इन केस हमारे पास टूल नहीं है उस टाइम पीरियड पे भी, क्या हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ टेक्निक है जिससे हम वो करके अपने पेन को रिलीफ कर सकते हैं? जैसे ये पेन है जी तो ये पेन का जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, जी इतनी ही फाइन नीडल्स होती है हमारी, जी इसको मैं बताती हूँ कि पेन तो आपके घर पे हो गई जी ना, जी तो पेन से लेके आप उसको डीप इंसर्शन के साथ जी प्रेशर दीजिए। जी और 10 टाइम्स देने से क्या होता है, उसमें ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट आता है। जी ऐसे ही मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि जी कैसे करना है उसको। जी प्लस हम कलर थेरेपी भी जी अप्लाई करते हैं, जिसमें सपोज ये ब्लैक कलर का पेन है, तो जी जैसे ही हम ब्लैक कलर से यहाँ पर लगाते हैं जी तो ये एनर्जी सिडेट हो जाती है, जी तो इससे रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। जी सपोज यहाँ लगाते हैं जी तो इससे भी एनर्जी सिडेट होती है, क्योंकि ये ब्लैक कलर है। जी ऐसे ही डिफरेंट कलर को हम यूज़ करके पेशेंट को क्लियरली बता देते हैं कि कहाँ पर हमें एनर्जी को एग्रीवेट करना है, एक्टिवेट करना है, कहाँ हमें एनर्जी को सिडेट करना है। जी तो इसके थ्रू भी मैं तो उसको इतना ये गाइड कर जो देती आपने कलर के लिए बताया, तो जो हूँ। हम नॉर्मल पेन यूज कर रहे हैं उन यस कलर से मार्किंग करके भी हाँ हम यस डेफिनेटली, ये कलर थेरेपी ही एक एक्यूपंचर का ही पार्ट है। जी और इसको आप स्केच पेन से भी यूज कर सकते हो, जी सिंपल पेन से भी डार्क सर्कल बना के भी यूज कर सकते जी हो। कई प्रोसीजर होते हैं इसमें, जी उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जी कलर थेरेपी के बारे में भी, क्योंकि जी ये पूरा एक पार्ट है, जी एक्यूपंचर और प्रेशर से ही रिलेटेड है। जी उन्हीं पॉइंट्स को जिनका एनर्जी को हमें एनहेंस करना है जी उस पर लगाते हैं कलर, और जिसकी एनर्जी को सिडेट करना है, जी डाउन करना है, उस पर भी कलर अप्लाई करते हैं, तो जी और ज़्यादा इफेक्टिव जी होता है। अच्छा डॉक्टर, ये है कि हम अभी तक कंटिन्यूअसली एक्यूपंचर पे जिस पे बात कर रहे हैं, तो हम कंटिन्यूअसली अभी हम इस पे बात कर रहे हैं पेन रिलीफ की, कैसे पेन रिलीफ होता है। तो क्या एक्यूपंचर की जो टेक्निक है वो सिर्फ पेन रिलीफ के लिए ही काम करती है, या बड़ी डिजीज जैसे किसी को हार्ट की डिजीज है, किसी को किडनी पे प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है, तो क्या ये उसमें भी कारगर है? क्या उसमें भी हम एक्यूपंचर के थ्रू उनको रिलीफ दे सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जी आप ये समझ लीजिए जितनी भी डिजीजेस हैं जी इन सभी पर हम एक्यूपंचर को प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। जी पॉइंट ये होता है कि पेन मैनेजमेंट इसलिए इजी होता है बिकॉज पेन रिलीफ पॉइंट सुपरफिशियल होते हैं, जी और लोकल एरिया में हमें जाके सपोज डायबिटीज है या थायराइड है, जो कॉमन डिजीज है, जी उन पर भी हम एक्यूपंचर करते हैं, एक्यूप्रेशर के थ्रू करते हैं, जी रिलीफ पेशेंट को मिलता है, जी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जी क्रॉनिक डिजीज होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, जी और सिंपल डिजीज होगी, नॉर्मल होगी, सुपरफिशियल होगी, जी तो उसमें टाइम कम लगता है। जी तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ चाहिए, जी इसलिए पेन मैनेजमेंट को फोकस ज़्यादा करते हैं, जी बाकी क्रॉनिक डिजीज पे भी इक्वली इफेक्टिव है।
मतलब आप टाइम पीरियड के लिए, मतलब अगर ये है कि अगर कोई हाँ पेन का है तो विद इन अ 1 वीक में हम उसको रिलीफ दे वन सकते वीक हैं मोर देन एनफ। जी। एंड अगर कोई बिगर डिजीज है जैसे हाँ हार्ट की डिजीज है, हाँ स्टोन की डिजीज है, तो उसको हम कितने टाइम पीरियड में जैसे सकते देखिए, हर टाइप की डिजीज होती है, सपोज मेंटल डिजीज है, जी साइकोसोमेटिक डिजीज है, इन पर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें प्रॉपरली उसको काउंसिल करना होता है, उसको जी प्लेसिबो इफेक्ट देना होता है, उसको जी प्रॉपरली कन्विंस करना होता है, कि उसको पूरा एश्योरेंस में लेना होता है, जी कॉन्फिडेंस में लेना होता है जी कि कैसे हम करें जी ताकि आपको इस डिजीज से निजात मिल जाए। जी आजकल तो कोरोना पीरियड में इतने डिप्रेशन के, हाइपरटेंशन के, एनजाइटी के पेशेंट्स हैंडल करे हैं मैंने, जी कि मेंटल डिजीज ज़्यादा, जी क्योंकि सब कुछ तो सोच का ही असर है, जैसी सोच होती है वैसे हमारे मन पर असर आता है, और जी वैसे ही हम डिजीज को जनरेट करते हैं। जी अच्छा मैम, ये है कि जैसे एक्यूपंक्चर का जो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, जो लोग करवाते हैं, तो उनको क्या कोई कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अभी हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कोई उसमें किन बातों का खास विशेष ध्यान देना पड़ता है? बस मस्त रहिए, विश्वास के साथ कराइए, जी और जहाँ विश्वास है वहाँ पर सक्सेस 100% मिलती है। जी पूरे कॉन्फिडेंस से कराइए, पूरे फेथ के साथ जी कराइए। फेथ जब आ जाता है जिस भी चीज़ में, जी पत्थर भी ईश्वर बन जाता है जी बिकॉज ऑफ फेथ। जी तो डेफिनेटली ये तो एक प्रॉपर थेरेपी है, प्रॉपर साइंस है, जी तो ये तो इतना इफेक्टिव है ही, सिर्फ कहने से नहीं, उसको एक्सपीरियंस करने से, उसको फील करने से। जिस जी दिन पेशेंट ने फील कर लिया कि यस मैं ठीक हो रहा हूँ, जी बस उसी दिन से उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगा। अच्छा मैम, हम लोग अभी बहुत देर, अभी मैं एक और चीज़, हमारे एक व्यूअर का एक ये हमारा सवाल था, वो व्यूअर हमारे ये जानना चाहते थे कि जैसे उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उस मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी क्या हम एक्यूपंचर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं या उससे कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? देखिए, एक्यूपंक्चर का कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, जी तो आप साथ में ये प्रोसीजर भी करा सकते हैं। आप मेडिकल ट्रीटमेंट को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते, आप जी जैसा चल रहा है एज इट इज चलता रहे, जी लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर करते रहें कि एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट भी फॉलो करें, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, और ये टोटली सेफ है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट है, तो ये ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। पैरेलली चल सकता है जी दोनों ट्रीटमेंट, दोनों का इम्पैक्ट अलग आएगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि दोनों का साथ में करने से क्या होता है कि डबल बेनिफिट मिलता है। जी मेडिसिंस अपनी असर कर ही रही है, और साथ में एक्यूपंचर का एनर्जी लेवल पर हो रहा है, तो कंबाइंडली कराना ही अच्छा है, कराना चाहिए भी। क्या डॉक्टर ये जो ट्रीटमेंट हम करते हैं एक्यूपंचर का, क्या उसमें खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखता है कि कुछ खाने पीने में हमें विशेष स्पेशली कुछ डाइट में हमें अपने लेना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे परहेज करना चाहिए? देखिए, डाइट का तो एक मेजर पार्ट होता है, जी सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन लेना ही चाहिए, जी फैट अवॉइड करना ही चाहिए, जी यदि शुगर पेशेंट हैं तो शुगर कम लें। जी जनरल जो चीज़ें होती हैं, मैं वही बोलूँगी कि जनरल चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, अदरवाइज सभी जानते हैं हेल्दी डाइट क्या है, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, यदि बेटर ऑप्शन हो कोई डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवा लें और प्रॉपर उसको फॉलो करें। सिर्फ डाइट चार्ट बनवाना ही बड़ी बात नहीं, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। पेशेंट क्या करता है, मुझसे भी डाइट के लिए पूछ लेगा हर चीज़, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें। देखिए, जब आप हेल्दी डाइट लेंगे, ऑब्वियसली आपकी एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़ने से ही आपकी डिजीज खत्म हो जाएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट को इक्वली इफेक्ट दें। डॉक्टर, मेरा ये सवाल पूछने का एक मोटिव ये था क्योंकि मेरा भी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर के थ्रू, बहुत लंबे समय से फीवर मुझे चल रहा था, तो जिसकी वजह से मेरे एक्यूप्रेशर के थ्रू मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ था। तो उस टाइम पीरियड में जब एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें जैसे आपको कटहल नहीं खाना है, आपको अरबी नहीं खानी है, आपको चावल नहीं खाना है, तो ऐसे ही उन्होंने जो कई चीज चीज़ों में के लिए मेरे को बोला था कि ये नहीं खाना है। तो इसी वजह से मैंने पूछा कि जिस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो क्या हम कुछ चीज़ों का क्या परहेज करने के लिए कहा जाता है, क्या ऐसा कुछ है? यस,
मेन जो चीजें हमारी गैस बनाती हैं जी या जो चीजें बादी होती हैं, जी बादी वाली चीजों को नहीं यूज करना है, क्योंकि डाइजेशन के बाद जो गैस जनरेट हुई वो जिस ऑर्गन में भी स्टक हो जाएगी वहां पर वो पेन क्रिएट कर देगी। सपोज ये गैस हमारे सर पर चढ़ गई तो माइग्रेन का रूप ले लेती है, यदि गर्दन में आ गई तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, यदि यही गैस हमारे नीज पे आ गई तो नी पेन हो जाता है। तो ये गैस पूरी बॉडी में फ्लो करती रहती है लेकिन स्टक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बादी चीज़ों को मना करते हैं। जी अच्छा डॉक्टर, ये जो टेक्निक है एक्यूपंचर की, क्या ये पर्टिकुलर कुछ एज ग्रुप के लोगों पे अप्लाई किया जाता है, या हम किसी भी एज ग्रुप के लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी का इलाज करती हूँ। जी न्यू बॉर्न बेबी से लेके जी बेड रिडन तक भी, ओल्ड एज तक भी, 90+ वालों का भी हमने ट्रीटमेंट किया है, जी तो कोई एज बार नहीं होता जी इसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि कितनी क्रॉनिसिटी है, जी कितना उसका क्रॉनिक डिजीज़ है, जी उस पर वेरी करता है। जी यदि पेशेंट छोटा भी है या बड़ा भी है लेकिन उसकी डिजीज़ सुपरफिशियल है, क्रॉनिक नहीं है, तो जी वो विद इन 2 डेज रिलीफ मिल जाता है। जी और यही डिजीज़ यदि 15 डेज, किसी में टाइम लगता है, जी इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इलनेस, जी कितना पुरानी डिजीज़ है। जी मैम, अगर हम इस पे एक एक्सपेंस की बात करें कि इस ट्रीटमेंट में अमूमन कितना एक्सपेंस आ जाता है, कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, मतलब कैसे एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस रहता है इसका? देखिए, यदि आसानी से ठीक हो रही है डिजीज जी तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जी बहुत ही चीपर है ये। जी देखिए, आप यदि एलोपैथ में जाते हैं या किसी भी और मेडिसिंस में जाते हैं तो जी उसमें आपको 10 तो टेस्ट कराए जाते हैं, जी कुछ मेडिसिंस दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जी लेकिन इसमें कुछ हमें ऐसा करना ही नहीं है। ना हम किसी का टेस्ट कराते हैं, ना कोई जी इंजेक्शन लगाते हैं और जी ना ही हम कोई मेडिसिंस देते हैं, जी तो ये तो एक ऑल्टरनेट थेरेपी है। जी इसमें तो इससे ज़्यादा चीप और क्या हो सकता है कि जी आपको सिर्फ एक पॉइंट पर प्रेशर दिया और आपको रिलीफ मिल गया। जी एक प्रेशर, एक पॉइंट पर हमने इंसर्शन किया, जी आपको रिलीफ मिल गया, जी इससे लाइट और क्या हो सकता है। और ज़रूरी भी नहीं, कोई कंपल्शन भी नहीं कि वो आप निडल परचेज करें। हाँ, जी पेशेंट यदि चाहता है कि मेरी निडल सेपरेट रहनी चाहिए तो परचेज कर सकता है, तो इट्स वेरी चीपर, इसमें कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं आता जो पेशेंट अवेल नहीं कर सके, सभी अवेल कर लेते हैं। मैम, आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मैं यही कहना चाहूंगी सभी व्यूअर से कि वो जरूर से जरूर इस थेरेपी को एक बार आजमाएं और इसको इसको वैल्यू दें। ऑल्टरनेट थेरेपी अब काफी एडवांस हो चुकी है और इसकी वक्त को जाने और समझें। एलोपैथ के इक्विवेलेंट ही ये भी इम्पैक्ट डालती है और जिसका इतना खर्चा ही नहीं है, कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, तो वो थेरेपी अजमाने में क्या बुराई है। हम तो ज़रूर चाहेंगे कि सभी लोग इसको एक बार ट्राई करें, लेकिन एक एक्सपर्ट के नज़र में। जब कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही ये करेगा तब आपको डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, रिलीफ मिलेगा। और जब आप एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे इसके रिलीफ को, तो आप इसको आजमाएंगे और बताएंगे अपने नियर बाय लोगों को। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ज़रूर से ज़रूर इस थेरेपी को तवज्जो दें ताकि आप इस चीज़ के बारे में भी अवेयर हो सकें। आज के प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंत्रा में हमने बात की डॉक्टर अलका सक्सेना से, जिन्होंने हमें आज एक्यूपंचर से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम एक्यूपंचर के थ्रू काफी सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, अपने पेन को बहुत ही इंस्टेंटली हम उससे रिलीफ पा सकते हैं। अगले सेगमेंट पर हम फिर बात करेंगे एक नए डॉक्टर से, एक नए सेगमेंट पे। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।